मैम गाड़ी आ चुकी है, बड़ी बिजी और आपको लेने आया हूँ। अब 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। बड़ी बीजी, चलिए ड्राइवर आ गया आपको लेने। उसको कहे वो अकेला चले जाए। हाँ? मैं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि तू नहीं जा रही। हाँ? बड़ी बीजी, मैं किसने कहा आपको मैं नहीं जाऊंगी? ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो सकता। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। मैं कोने में पड़ी रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानती। तेरी बीजी ने तुझे ना बोला है ना जाने के लिए? बेबी बेटा, नहीं बेटा, नहीं। फोन करिए हिटलर रानी को, अभी मैं उसकी होशियारी निकाल देती हूँ। क्या समझती है वो? वो तेरी बीजी है तो मैं तेरी पर बीजी हूँ। सोच क्या रही हूँ? फोन लगा उसे, आज तुम्हें उसको इतनी झाड़ूंगी ना तो उसे बरोबर याद रहे मैं उसकी सास हूँ, समझी? फोन लगा। नहीं बीजी, बीजी आपको मेरी कसम, ऐसे मत कीजिए। बीजी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बीजी जो भी कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। वो अपने लिए नहीं, जीविका दी की खुशी के लिए सब कर रही है, उनकी शादी बचाने के लिए, ताकि इस शादी में कोई रुकावट ना आए, ये शादी अच्छे से निपट जाए, बस इतना चाहती है वो। उनका इरादा गलत नहीं है। और आपको पता है ना, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो होता ही है ना, हमेशा हर जगह रायता फैलाई देती हूँ। अभी भी कितनी बार मेरी वजह से बिगड़ते बिगड़ते बात बची है। बस अभी मैं अभी थोड़ा सा भी कुछ गलत हो गया ना बड़ी बीजी, जीविका दी का दिल टूट जाएगा, वो नहीं बर्दाश्त कर। बड़ी बीजी मेरे लिए से जीविका दी की खुशी के लिए चली जाइए ना। बहुत समझदारी की बात कर रही है। बच्ची है, बच्ची रहे, बनती बिगड़ती सब हम बड़े पर छोड़ते, समझे? क्या है? मैं बचपना करती तो भी आपको प्रॉब्लम है, जब मैं समझदारी बात करती हूँ तो भी आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, मैं कहाँ जाऊँ? चल मेरे साथ चल शादी में। नहीं। अरे वो स्वामिनी को मैं देखती हूँ, कैसे मुझे बुरा लगता है, मैं उसकी भी दादी हूँ। बड़ी बीजी मेरे लिए ना से जीविका दी के लिए चली जाइए। बेटा एक परपोती को आशीर्वाद देने के लिए मैं मेरी दूसरी परपोती को अकेली छोड़ के नहीं जा सकती।